नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम के बारे में, जो कि एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ही अहम चैप्टर माना जाता है, अहम टॉपिक भी कह सकते हो माना जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा एक रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है। दोस्तों सपोज कीजिए किसी भी डेटाबेस में एक यूज़र किस तरीके से उस डेटा को एक्सेस या रिट्रीव कर सकता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, रिट्रीवल सिस्टम। मतलब किसी भी डेटाबेस में से अगर यूज़र किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन पे एक्सेस ले सकता है, उसको रिट्रीव कर सकता है किस किस तरीके से, उसी को बोलते हैं रिट्रीवल सिस्टम। अगर बात हो रही है बायोलॉजिकल डेटाबेस की तो इसे कहते हैं कि भाई बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए सीखते हैं। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम जैसे कि वर्ड है, तो भाई तो इट प्रोवाइड्स मैनी वेज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैनी वेज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। कई सारे तरीके प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के। और कौन सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या मैक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड होगी ठीक है। सेकेंड, अब भाई जब बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम की बात आती है तो हमें ये समझना है कि डेटा को एक्सेस कर तो सकते हैं लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कर सकते हैं इसे अलाउस, जो दोस्तों बायोलॉजिकल डेटाबेस जो होते हैं ना, इनमें पहली बात तो हमें इंफॉर्मेशन सबसे पहले सर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो हम रिट्रीव करेंगे जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा जिस चीज पे। तो सबसे पहले सर्च करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को। सपोज करो मेरे को प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए, तो मेरे को हीमोग्लोबिन प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सर्च बॉक्स में हीमोग्लोबिन एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन एक क्या है, टेक्स्ट है। मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को या किसी भी टॉपिक को एंटर करवाएंगे ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझना है तो गूगल डेली आप एक्सेस करते हो, तो गूगल में होता क्या है भाई, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। आपको मान लो किसी कार की फोटो देखनी है तो आप उस कार का नाम क्या करोगे, एंटर करोगे, फिर उसके बाद सर्च बटन क्लिक करके। फिर होगा क्या इसके बाद होगा ये कि भाई आपकी जो सर्च बॉक्स बटन दबाते ही अलग अलग लिंक्स आ जाएंगी, कुछ फोटोज की लिंक भी आ जाएंगी ऊपर ठीक है। तो ये क्या है, एंट्रीज है ठीक है, जिससे तुम्हारी लिंक जो तुमने सर्च करा है, जो जो तुम्हारा मैचिंग हो रहा है जिस जिस वर्ड से, वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी एज अ लिंक के फॉर्म में। और जब इन लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट पे एंटर हो जाओगे। इसी तरीके से हमारे बायोलॉजिकल डेटाबेसिस के अंदर भी जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो वो किस फॉर्म में कर रहे होते हैं भाई, कुछ लिखते ही तो हैं, और इस लिखने को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्म ठीक है। तो अलाउस ओनली टेक्स्ट बेस्ड सर्च, ठीक है। तो टेक्स्ट को ही सर्च कर सकते हैं इन डेटाबेसेस। प्रोवाइड्स लिंक्स, तो मतलब प्रोवाइड करते हैं लिंक को, जब भी आप सर्च कर लोगे तो फिर उसके बाद एक जो रिजल्ट वाली विंडो आएगी उसमें क्या होंगी, लिंक्स होंगी ठीक है। प्रोवाइड लिंक्स विच आर बेस्ड ऑन
रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड लिंक्स विच आर बेस्ड ऑन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड मैचेस योर क्वेरी। ठीक है, जो भी आप सर्च करोगे उसके ही लिंक के अंदर उससे ही रिलेटेड सारी सारे रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पेपर में 110% आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो भाई बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम है, किन किन रिट्रीवल सिस्टम की हम बात करने वाले हैं? यहाँ पे दो रिट्रीवल सिस्टम की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको तीन बताऊँगा। ठीक है, एक एज अ एडिशनल नॉलेज के लिए। तो भाई पहला है हमारा कौन सा? एंट्रेज। ठीक है, जो लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को पहले ये चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग नहीं हैं वो प्लीज़ समझें। सेकंड है दोस्तों हमारा SRS। ठीक है, इसका मतलब होता है सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। पहला था एंट्रेज, दूसरा था SRS, तीसरा है दोस्तों हमारा, ये एडिशनल बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, DBGET। एग्जाम में यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं एक एक करके तीनों को। जो भाई एंट्रेंस था, अभी इसका डिटेल भी एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे। एंट्रेंस है जो, इसको भाई बनाया किसने? NCBI ने, तो डेवलप्ड बाय NCBI। ठीक है, NCBI ने एंट्रेंस को बनाया है। और ये क्या है भाई? टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है, याद रखना। जिस तरीके का अपना गूगल है ना, उसी तरीके का सर्च इंजन है। इसमें आप टेक्स्ट एंटर करके ही कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। और दूसरा एक्सेशन आईडी, एक्सेशन नंबर जो होता है, एक यूनिक नंबर जो होता है किसी भी प्रोटीन का, उस नंबर को भी डाल के आप सर्च कर सकते हो किसी भी क्वेरी को। ठीक है, और जो जो एंट्री आपकी मैच होगी उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। कुछ एंट्रेंस से जो डेटाबेसेस लिंक हैं उनके नाम बता दूं, PMC होगी, पबमेड सेंट्रल प्रोटीन। ठीक है, पबमेड हो गया, जीनोम हो गया, जीन हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं, नाम लेते लेते मैं ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? SRS। कह रहा हूँ इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ये एज अ जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, SRS का मतलब होता है सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, क्या है भाई? सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, क्रिएटेड बाय, मतलब बनाया इसको किसने? SRS को EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, जो EBI की है। ठीक है, तो क्रिएटेड बाय EBI, मतलब EMBL। EMBL की फुल फॉर्म यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, EBI की फुल फॉर्म है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस लिंक हैं और उसके बेसिस पे ही ये अलग अलग डेटाबेस से रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है एक ही बार में। इसी तरीके से एंट्रेंस है। ठीक है, लेकिन एंट्रेंस एक स्पेसिफिकली NCBI का है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा DBGET, जो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। DBGET है, ये एक टोक्यो, मतलब जैपनीज पोर्टल है, जैपनीज। तो इसका जो पोर्टल का एड्रेस है, तो जैपनीज पोर्टल है,
ठीक है, कहाँ पे अवेलेबल है? genome.jp, ठीक है। इसको मेंटेन करके रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो ने, ठीक है। इसके साथ कई सारे डेटाबेसेस हमारे लिंक हैं, जैसे कि कैग हो गया, KO ऑर्थोलॉजी हो गया, ब्राइट हायरार्की हो गया, कैग जीन्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो कि DBGET के साथ लिंक्ड।